वक्त ख्वाहिशें और सपने हाथ में बंधी घड़ी की तरह होते हैं, जिन्हें हम उतार कर रख भी दें तो भी चलती रहती हैं। दोस्तों, बाहर से सुलझे हुए दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। जिंदगी की राह पर चलने के लिए हर राह की चाल को समझना पड़ता है। कभी कभी खुशियों को पाने के लिए बहुत ज्यादा तड़पना पड़ता है। कभी जिंदगी को निखारने के लिए खुद को बिखरना पड़ता है। कभी जिंदगी में ना चाहते हुए भी अपनों से तक बिछड़ना पड़ता है। दोस्तों, किसी जवाब का ना आना भी एक जवाब ही है। कभी कभी जिंदगी में वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। कभी हमें अपने सवालों के जवाब तक नहीं मिल पाते, लेकिन ऐसी परिस्थिति भी एक जवाब ही है। बस आपको धैर्य से काम लेना है। समय भी बदलेगा, परिस्थिति भी बदलेगी, हर सवाल का जवाब भी मिलेगा और वो सब हासिल होगा जो आप प्राप्त करना चाहते हो। बस आप अपना धैर्य मत खोना और अपने सपनों का पीछा करना मत छोड़ना, प्रयास करते रहना। कहते हैं, निंदा और नींद पर जो विजय पा लेते हैं उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य के प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की आपके प्रति राय बदल जाती है। जिंदगी में इतना काबिल तो बन ही जाना कि भगवान किसी गरीब की मदद करने के लिए आपकी जेब का इस्तेमाल करें। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त मत करना, क्योंकि परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब हो बदलेगी जरूर। दोस्त, आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन जहाँ पर हो वहीं से एक नई शुरुआत कर सकते हो और अंत को बदल सकते हो। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर ही होगा। यही सोच आपको जिंदगी में कभी भी निराश नहीं होने देगी। जज्बा रखो सच और झूठ को परखने का। कानों में जहर घोलना तो जमाने का काम है। खूबी और खामी दोनों ही होती है हर इंसान में। जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है, जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। आँखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज देंगी, सफर जारी रखो। जब आपने सोच लिया है कि मुझे ये काम करना है, तो फिर चाहे वो काम कितना ही कठिन क्यों ना हो, उसे बार बार करने की कोशिश जरूर कीजिए। जिंदगी ने मुझे यही सिखाया कि मेहनत करो, रुको मत, और हालात कैसे भी हो किसी के आगे झुको मत। समय को बर्बाद करने वाली कुछ चीजें जो आपको पहले से पता होंगे, लेकिन एक बार और आपको याद दिला देता हूँ। फालतू टीवी देखना, काम करते समय काम पर ध्यान न देना, दिन भर आलस्य करना, बहुत ज्यादा गेम खेलना, फालतू गप्पे लड़ाना और फालतू में घूमना, हमेशा चिंता करना और दिन भर मोबाइल चलाते रहना। वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, अपने शब्दों की नहीं ज्ञान की ताकत को बढ़ाओ, क्योंकि ज्ञानी इंसान के सामने किसी ताकतवर की भी नहीं चलती। ज्ञान ही जीवन में आपको हर सुख दिलवाएगा। अब आपको तय करना होगा कि आप अगले 5 साल में क्या पाना चाहते हो, और उसे पाने के लिए आपको आज से ही उसकी तरफ कदम बढ़ाना शुरू करना होगा। तो सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़।